प्राप्त हो रहे हैं कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा। पहले कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि अप्रैल के महीने में परिणाम जारी कर देंगे, लेकिन 68,000 से ज्यादा आपत्ति आई जिसके कारण से परिणाम अब मई महीने में जारी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे कि परिणाम में देरी क्यों हो रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड और लोग बहाना बना रहे। लेकिन सत्यता आप लोगों को स्वीकारनी होगी, हम जैसे लोगों ने ही, आप जैसे लोगों ने, आपके साथियों ने आपत्तियां लगाई, इसमें समय लगता है। यदि उन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया फिर वो न्यायालय में जाके भर्ती को लटकाएंगे। आप थोड़ा सा संयम आप लोगों को रखना होगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी हो और उसके बाद जो 98,000 लोगों को 2x5 किया जाएगा उसके लिए भी बड़ी टीम को लगाया जाए, जिसने जल्द उनके दस्तावेजों का सत्यापन हो सके उसके लिए भी टीम अतिरिक्त लगाई जाए। इसके अलावा फिर बीकानेर निदेशालय द्वारा आपकी शैक्षणिक योग्यता के लिए दस्तावेजों को चेक किया जाएगा और फिर जिलाउंटिन होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, इसमें कई महीने लग सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग हमारी प्रस्तावित है, तो अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी हो, अतिरिक्त टीम का गठन किया जाए दस्तावेज सत्यापन के लिए, और मैं चाहता हूं जुलाई अगस्त तक इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग, मैं चाहता हूं ज्वाइनिंग हो, यह मैं बात आज की मीटिंग में रखूंगा, और परिणाम भी 5-10 दिन में जल्द से जल्द जारी हो। आपको पता है कि अप्रैल महीने में तो जारी नहीं होगा, लेकिन कम से कम मई महीने के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जारी हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग है और कल पीटीआई भर्ती का आंदोलन है।